पुलिस कैंटीन में ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तुझे? पूजा यहाँ रहेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। अभी तो उठा के लगा लगा के हंस रही थी। मैं तुम्हारे बारे में क्या समझता था कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे? सिर्फ तुम ही एक सती सावित्री हो जो सच बोल रही हो। क्या सच है क्या झूठ भगवान जाने। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कपड़े धुल दिए सारे? हाँ। और मेरे कपड़े? दो ही कपड़े थे ना, धुल देती तो थक जाती तुम। मैं क्यों धूं आपके कपड़े? खुद दो अपने कपड़े, नौकर हूँ क्या मैं आपके? इसमें नौकर वाली कौन सी बात है, मैं भी तो करती हूँ ना घर के सारे काम। तब मैं तो नहीं सोचती हूँ कि ये तुम्हारा काम है ये मेरा काम है। घर के और कामों की बात अलग है, पर मैं किसी के कपड़े नहीं धो सकती। कितनी बार बोलूं आपको, समझ नहीं आता आपको? और वैसे भी जेठानी हो जेठानी बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। पूजा जुबान ज्यादा चलने लगी तुम्हारी, नैन मटक्का करते करते ना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भाभी बस करो, क्यों मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? और क्या नैन मटक्का लगा रखा है? रास्ते से अगर कोई गुजर रहा है उसने मुझे देख लिया तो मैं रास्ता नहीं बंद करवा दूंगी। आप करवा सकते तो करवा दो। आई बड़ी मुझ पे लालचन लगाने वाली। ओ तुम एहू लाने वाला है ना, इसलिए इतना तनपना रही हूँ। आने दो उसे, उससे ना अच्छे से तुम्हारी क्लास लग पाती। देखो तुम ना। अरे चुप करो तुम दोनों, तुम दोनों ने शर्म है बेच खाई है क्या है? अरे आज तक तुम घर के अंदर लड़ते थे, आज बाहर शुरू हो गए, कैसे बच्चों की तरह लड़ती हो तुम दोनों। चलो घर के अंदर। हे भगवान क्या करूं इन दोनों का मैं। नहीं मेरा भूत है। आती शुरू हो जाते। अरे मेघुल आ गया तुम। भाभी मैं चाय लेके आती हूँ। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे तू कितना दुबला हो गया है, पुलिस कैंटीन में ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तुझे? भाभी वो क्या है ना, आपके हाथ का खाना कहीं मिल नहीं सकता, इसीलिए हाल है मेरा। वैसे बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बाबूजी गए हैं अखाड़े पे, आज कुश्ती का कॉम्पिटिशन है ना। ओ अच्छा। मेहुल आ गया। बाबूजी जीते रहो जीते रहो, तेरी ट्रेन तो शाम की थी ना। बाबूजी जल्दी छुट्टी मिल गई तो जल्दी चला आया। वैसे बाबूजी एक बात कहूँ आपसे, आप ये पहलवानी छोड़ क्यों नहीं देते? अब उम्र हो रही है आपकी, आराम कीजिए घर में, वहां जाके आप पहलवानी करेंगे, कहीं कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो आजकल तो जुड़ती भी नहीं है। मैं कहाँ पहलवानी करता हूँ, वो तो लोग हैं जो हमें छोड़ते ही नहीं है, बोलते हैं आपके बिना अखाड़ा जुड़ता ही नहीं है। जाता तो हूँ मैं जज बनकर, लेकिन पता नहीं अखाड़ा देखकर मेरे अंदर कहाँ से जोश भराता है और फिर दो दो हाथ हो जाते हैं। और आज सवाल हड्डियों का बेटा, तो हड्डियों में बहुत जान है, अभी चाहो तो आजमा लो, कर लो दो दो हाथ। नहीं नहीं बाबू जी, आपकी पहलवानी आपको मुबारक हो, मैं कॉन्स्टेबल ही हूँ। ठीक है तू थक गया होगा, जा आराम कर ले। जी बाबू जी। ठीक है बेटा, हल्दी वाला दूध लाके दे दे, ठीक है? जी बाबूजी। आज थोड़ी जोर आजमाइश ज्यादा हो गई है, बदन दर्द कर रहा है।
एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ना। तो अपने साथ क्यों नहीं ले चलते, मुझे नहीं रहना आपके बिना। बात तो सही कही आपने। ठीक है, हम बाबूजी से बात करते हैं। सच्ची? जी। बाबूजी, ऋषि का फोन आया था, वो आने वाला था। हाँ फोन उसका मुझे भी आया था, बोल रहा था कुछ जमीन का काम है उसको, आजकल में आएगा। बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि इस बार पूजा को भी अपने साथ ले जाता हूँ। पर मेहुल, तुम तो पूरा दिन ड्यूटी पर रहते हो। जी बाबूजी। इसका मतलब पूजा वहां पे अकेली रहेगी। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई, तुम तो ड्यूटी पर रहोगे ना, इसको कौन देखेगा? देखो इससे अच्छा है ना कि पूजा यहीं पे रहे, हम सब हैं ना, और वैसे भी तुम महीने में एक दो बार तो आ ही जाते हो, तो पूजा को क्यों जाना है तुम्हारे साथ? कोई कमी है यहाँ पे? नहीं ना, क्यों बाबूजी? देखो मेहुल, शिकब बात तो सही बोल रही है, वहां अकेले रहने से अच्छा तो ये है कि वो यहीं रहे सबके साथ, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं बाबू जी, भाभी सही कह रही हैं, पूजा यहाँ रहेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। मेहुल तुम बैठो ना, खाना खा लो, उसे बाद में बना लेना। तुम्हें मेथी की सब्जी पसंद है ना, लो तुम्हारे लिए बनाए, बहुत पसंद है ना तुम्हें, थोड़ा और दू? नहीं। बात मत करो मुझसे। अरे पर क्यों? क्यों मुझसे पूछ रहे हो क्यों? तुमने मुझे कहा था अपने साथ लेकर चलोगे, लेकिन भाभी के मना करने पर एक बार मैं मान गई। अरे मुझे नहीं रहना है यहाँ पर अकेले, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पूजा, भाभी सही तो कह रही थी, एक बात बताओ, तुम वहाँ अकेले रूम पे करोगी क्या? अकेली बोर हो जाओगी, और यहाँ रहोगी तो यहाँ घर में सब लोग हैं, मन लगा रहेगा। वैसे मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है, मैंने हेड ऑफिस में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है मेरे ट्रांसफर की, यहीं पास वाले जिले में। अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर मैं घर से ही ड्यूटी करूंगा, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ना, खुश रहोगी ना तुम। सच? अरे आप चिंता मत कीजिए, हम काम करवा देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और कुश्ती थोड़ा कम कर दीजिए। मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबूजी। आओ तो मैं बात छोड़ देता हूँ। हाँ चलो भाभी, चलता हूँ। मिल गया चैन, कल रात को हम लोगों के बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, किसी ने राय मांगी थी? अच्छा भला मैं उनके साथ जा रही थी, पर तुम्हारी वजह से नहीं जा पाई। अच्छा वहाँ पे जाके क्या करती, लड़कों के साथ नैन मटक का जैसे यहाँ पे करती हो? झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पे, असली बात तो ये है अगर मैं उनके साथ चली जाती तो घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ता, मुझे यहाँ नौकर बना के रखा है। घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता, ये क्यों नहीं कहती तुम कि आलसी हो एक नंबर की तुम? घर का काम करने में ना तुम दिखता थे। अच्छा आलसी हूँ मैं, ठीक है आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, करो सारा काम। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गई हैं? अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों, जब मौका मिलता लड़ना शुरू कर देती हो। अरे खत्म करो ये कलेश, जाओ अपना काम करो। बाबूजी मैं नहीं लड़ती हूँ, ये पूजा है ना मेरे पीछे पड़ी रहती है दिन भर,
अब आप ही बताइए, मेहुल साथ में लेके नहीं गया तो मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? बाबू जी मैं कब तक बर्दाश्त करूँ ये सब? ऋषि भैया आप कब आए? बस अभी आया। ताऊ जी दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? वो अरे ऋषि आ गए तुम। आयुष्मान भाव, आयुष्मान आओ बैठो। ठीक। और बताओ ऋषि, घर में सब कैसे हैं? ताऊ जी सब बढ़िया हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। और ये जमीन के कागजों का क्या काम है जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? कुछ खास नहीं ताऊ जी, वो केसीसी बनवा रहे हैं हम लोग ना, उसी के लिए कागजात चाहिए थे। बस दो चार दिन में हो जाएगा काम। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे ऋषि नमस्ते भाभी, खुश रहो, कैसे हो तुम? हम बढ़िया, आप बताइए। मैं अच्छी हूँ, आप लोग बैठिए। मैं तो ऋषि बताओ, तुम्हारे वो सरकारी नौकरी का कुछ हुआ क्या? ताऊ जी इस बार पूरी उम्मीद है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार आपका भतीजा सरकारी नौकर होगा। बिल्कुल होगा, चाहे आ गई। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी तो हमारी लगने ही वाली है, इंटरव्यू हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, वो भी अगले महीने आ जाएगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पक्का ना? आपकी जान पर से, पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाने दो, हम ताऊ जी से बात कर लेंगे, तो हम दोनों की शादी कर लो। अब खुश ना? बहुत खुश। एप्लीकेशन का क्या हुआ? हाँ अभी उसका जवाब नहीं आया, टाइम लगेगा। और सुबह सुबह तुमने ये जानने के लिए फोन किया? नहीं नहीं, वो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, वीडियो कॉल करें? पूजा अभी हम ड्यूटी पर हैं, शाम को रूम पहुंचकर कॉल लगाते हैं आपको। ठीक है। तो तुम्हें आ? वो बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे तो सोचा थोड़ा आपसे बात किया जाए। अच्छा किया, आओ बैठो। वैसे भाभी मेहुल भैया आखिरी बार घर कब आए थे? कल ही तो गए हैं, तुम्हारे आने के 2 घंटे पहले ही गए हैं, तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं नहीं होती है, पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन उनसे ज्यादा बात कहाँ हो पाती है। हाँ वो ऐसे ही है, ज्यादा बात नहीं करते। पूजा, ओ पूजा बेटा, नाश्ता बना कि नहीं बना? अब बाबूजी वो पूजा तो सो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, नाश्ता बन जाएगा अभी। ठीक है कर लो काम अपना। महारानी सो रही होगी अभी तक, बताती हूँ उसे। और फिर क्या, उसके बाद तुम्हारी हंसी निकल गई? बहुत मजाक किया हो तुम। अच्छा महारानी की यहाँ पे हंसी टिटोली चल रही है और वहां पे मैं अकेले सारा काम कर रही हूँ। अगर हंसते हुए पेट भर गया हो ना तो चलो चल के काम संभालते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मैं कोई काम करने वाली नहीं। क्या हुआ तुम्हें तबीयत को? अभी तो उठा के लगा लगा के हंस रही थी। क्यों, बीमार इंसान हंस नहीं सकता क्या? सब जानती हो तुम्हारी बीमारी। तुम एक नंबर की कामचोर भी हो और आलसी भी। तुम्हारा बस चले ना तो तुम बिस्तर से पैर भी नीचे ना रखो। अब चलो और जाके रसोई संभालो। मैंने कहा ना मैं आज कोई काम नहीं करूंगी तो कोई काम नहीं करूंगी। वैसे भी रोज तो मैं ही रसोई संभालती हूँ ना, आज आप संभाल लेंगी तो कोई छोटी नहीं हो जाएंगी। पूजा बदतमीज तो तुम हो ही, और अब मेहमान के सामने शर्म लिहाज भी भूल चुकी हो। ऋषि के सामने कुछ भी बोले जा रही हो, क्या सोचेगा ये? क्या सोचेगा क्या मतलब? जो आप मुझ पे रौब झाड़ रहे हो उसके बारे में क्या सोचेगा वो? हमेशा रौब झाड़ती रहती हूँ, मुझ पे ये रौब मत झाड़ा करो। कोई सास नहीं हो मेरी। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। कम से कम मेहमान का लिहाज तो कर लेते। तुमको पता है तुम सच जानवर होते हैं। बाबूजी ये रूम पे चुप, एकदम चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसको काम करना है करे, जिसको काम नहीं करना मत करे। लेकिन मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। जब देखो झगड़ा चलो अपना अपना काम करो। बदतमीज रख दे बेटा। शिखा कहाँ है? अब वो शिखा भाभी और ऋषि भैया कहीं बाहर गए हैं साथ में। बाजार गए होंगे सब्जी लाने। पापा जी मैं आपसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम दोनों सारा दिन चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, मैं बुरा मानता हूँ तो तुम्हारी इस बात का बुरा मानूंगा? बताओ क्या बात है? पापा जी मुझे ऐसा लगता है ऋषि भैया और शिखा भाभी का कुछ चल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? नहीं शिखा ऐसी नहीं हो सकती। मुझे पता था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। मैंने खुद ऋषि भैया को रात को शिखा भाभी के रूम में जाते हुए देखा है। एक काम करना, आज रात आप ऋषि भैया पर नजर रखना, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत लेट हो गया। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? वो बाबूजी हम लोग सब्जी लेने गए थे। ऋषि तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। जी बाबूजी, उनको पता चल गया तो क्या होगा? शिखा, हम क्या करते हैं? खिड़की छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। शिखा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे बारे में क्या समझता था? छी! और ऋषि तूने एक गंदी हरकत करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा है? बाबूजी हमने कुछ गलत नहीं किया है। ऋषि मुझसे शादी करने वाला है। एक बार उसकी नौकरी लग जाएगी ना तो वो मुझसे शादी कर लेगा। यही सच बोल रही है? नहीं ताऊ जी, हमारी कोई गलती नहीं है। भाभी ने बोला था कि भैया है नहीं तो हम बस टाइम पास करने के लिए। ऋषि तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। कब वादा किया था हमने? कौन सा वादा? भाभी झूठ मत बोलिए, आपने बोला था टाइम पास करने के लिए ना? ताऊ जी हमने कोई वादा नहीं किया था, भाभी झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहा है। चुप! तुम दोनों को जो करना था कर चुके हैं, अब जो करूंगा मैं करूंगा। ऋषि निकल यहां से, और दोबारा घर के आसपास नजर आए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भतीजा है। निकल निकल। और शिखा तू, तेरा आज के बाद इस घर से निकलना बंद, एकदम बंद।
क्या बचा है ऋषि, क्यों कॉल कर रहे हो अभी तुम? हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे गलती हो गई। क्या ना, हम एकदम डर गए थे वो ताऊ जी के सामने, इसलिए मन में जो आया वो बोल दिए। लेकिन हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं भाभी। बंद करो अपना ये ड्रामा, खबरदार जो मुझे दोबारा कॉल किया तो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। नहीं भाभी ऐसा मत कहिए, आपको हमारी कसम है। भाभी रात में हम आपसे मिलने आते हैं ना, फिर आपको ठीक भाभी कट कर दिया। कोई बात नहीं भाभी, आपको तो हम मना ही लेंगे। हाँ मैं मिलना है तुमसे। ठीक है मैं भी पहुंचता हूं। दीजिए बाबूजी। ले बेटा फटाफट चाय बना दे। हाँ। मुझे खेत जाना है। ठीक है ठीक। तुम जाओ यहां से, निकलो। कमीने, तुझे उस दिन मैंने मना किया था ना, तू तब भी नहीं माना। लगता तेरे बाप से बात करनी पड़ेगी। काकू जी हमारी गलती नहीं, हमें भाभी जी ने इमोशनली ब्लैकमेल करके बुलाया था, हम आए हैं, हम सच कह रहे हैं। ऋषि क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? वाह भाभी जी, जब आप फंस जाते हो सारे इल्जाम हम पे थोप देती हैं। हम सच कह रहे हैं, इन्होंने फोन किया तब हम आए हैं। कमीने तू जाता क्या यहाँ, क्यों झूठ बोल रहे हैं तू? बाबूजी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसे कॉल नहीं किया था बाबूजी। शिखा कितना झूठ बोलोगी तुम, अपने हवस के चक्कर में सारी शर्मो लिहाज भूल चुके हो तुम। उसको मैंने मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी। बाबूजी ऐसा नहीं है बाबूजी। शिखा पूजा ने तुझे कई बार देखा है और तुझे आज तो मैंने भी देख लिया, तू मेरा नाक कटवाने में लगी है। पूजा ने देखा था? हाँ पूजा ने देखा है। बाबूजी ये झूठ बोल रही है पूजा। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? जो हमने देखा वो झूठ था, ऋषि झूठ बोल रहा था, सब झूठे हैं, सिर्फ तुम ही एक सती सावित्री हो जो सच बोल रही हो। अरे भाभी शर्म करो, कितना गिरोगी। पूजा मुझसे गलती क्या होगी, तू मुझे ताने मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? क्यों डरती हूँ मैं तुमसे, और फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो जो ताने सुनने पड़े? अरे चुप करो तुम दोनों, तुम दोनों को जहां मौका मिलता लड़ना शुरू कर देती हो। तुमको पता पड़ोसी हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं? अरे बोलते हैं कि पहलवान के घर पे आप खाटा झूठता है दोनों बहुओं का, पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है हमारी। बाबूजी मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, ये पूजा झूठ बोल रही है, बहुत जुबान चल रही है इसकी। तू क्यों झूठ बोल रही है? तूने कब देखा था ऋषि के साथ मुझे? हाँ देखा था, पिछली बार जब बाबूजी ने ऋषि को घर से बाहर निकाला था तो वो अगले दिन आया था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे कमरे में जाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। करो तुम दोनों चुप करो। कमीनी औरत झूठ क्यों बोल रही है? एक लफ्ज भी अगर तूने मुझसे निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगी पता ना, जबान खींच रही होगी तुम्हारी। अच्छा मेरी जुबान खींचोगी? बोलो चुप करो। मुंह काला करके खुद बैठे हुई हो, मेरी जुबान खींचोगी? अरे इतनी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी, कितनी नीच हो, शर्म नहीं आती? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी तुमसे इतना चिढ़ती हैं। अब तो देख लिया ना? हाँ देख भी लिया और समझ भी लिया, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। बाबूजी को बोल दिया है मैंने। सच? और मैंने वहां रूम की भी बात कर ली है, तुम एकदम चैन से रहोगी वहां पर।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाभी ऐसे कैसे, और ये ऋषि इतना बड़ा कमीना निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझ पे ध्यान दो। कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहां सिर्फ मैं और तुम होंगे। आयुष्मान बाबू जी, अब हम चलते हैं, देर भी हो रही है और फिर पूजा को रूम पे छोड़ के ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। ठीक है, जाओ तुम दोनों, मुझे लगता है यही एक सही तरीका है इस झगड़े को खत्म करने का। जाओ तुम दोनों। बाबू जी, भाभी कहाँ है? वो कल से तो अपने कमरे से ही नहीं निकले, कल का शोक मना रही होंगी। पूजा, बाबू जी मैं भाभी से मिल के आता हूँ। भाभी, 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 शर्मा एम्बुलेंस को बुलवाओ जल्दी। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। जी मेरी भाभी थी। ये विधवा थी? जी सर, 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे बड़े भाई की मौत हो गई थी। और ये? सर जी मेरी बीवी है और जी मेरे पापा। पोस्टिंग कहाँ है आजकल तुम्हारी? सर इटावा सिविल लाइन थाने, कल छुट्टी पे आया था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शिखा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? इंस्पेक्टर साहब, लड़ाई झगड़ा तो हमारे घर में रोज की बात थी, मेरी दोनों बहुएं बिना बात की रोज लड़ती थी, पर कल बात कुछ और थी। दरअसल मेरी बहू शिखा और मेरा भतीजा ऋषि, इन दोनों के आपस में संबंध थे, और जैसे मुझे बात पता चली मैं बहुत गुस्सा हुआ और मैंने इन दोनों को अलग होने को बोला, पर ये दोनों माने नहीं। कल ऋषि शिखा को मिलने घर चलाया और इसी बात पे कहा सुनी, बहुत कहा सुनी। मुझे लगता है कि शिखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फांसी लगा ली। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो ऋषि का है, क्योंकि शिखा का ये कहना था कि ऋषि ने उसे शादी का वादा किया था और ऋषि मना कर रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ, भगवान जाने। देखिए ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप में से कोई भी शहर के बाहर नहीं जाए। तुम भी तूने शिखा से शादी का वादा किया था? नहीं सब किया था, सब किया सर। भाभी को हम पसंद करते थे, वे हमें अच्छी लगती थी, इसलिए हम उनको पाना चाहते थे, इसलिए हमने बोला कि हमसे शादी करेंगे और वो हमारी बातों में भी आ गए थे। फिर हम छुप छुप के मिलने लगे। कब से चल रहा था ये सब? पिछले एक साल से तू और शिखा छुप छुप के मिल रहे थे और किसी को भनक भी नहीं लगी, और अब ऐसा क्या हो गया कि ये बात जग जाहिर हो गई? क्या चक्कर है? क्योंकि हम उन्हें बदनाम करना चाहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बोल, तू बदनाम क्यों करना चाहता था शिखा को? उसके कहने पे। किसके? इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कुछ पता चला क्या? पता तो बहुत कुछ चल गया है। पूजा, तुम्हीं ने शिखा को बदनाम करवाया था?
क्यों? देखो आप चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, ऋषि ने हमको सब कुछ बता दिया है और अब बोलने की बारी तुम्हारी है, बोलो। सर मैं मानती हूँ मैंने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत में तो कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौत से लेना देना नहीं है, लेकिन तुम चाहती तो थी कि वो मर जाए। सर हम बस इतना चाहते थे कि बाबूजी उन्हें इस घर से बाहर निकाल दे और हम इस घर में चैन से रह सके, क्योंकि जब तक वो थे हम इस घर में चैन से नहीं रह सकते थे। जब देखो तब ताने मारना, सास की तरह रौब झाड़ना, हम परेशान हो गए थे, इसीलिए मैं इनके साथ जाना चाहती थी, पर उन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी और ये मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मैं समझ गई थी जब तक वो इस घर में है मेरी कभी नहीं चलने वाली, इसीलिए मैंने ऋषि के साथ मिलकर प्लान बनाया उन्हें बदनाम करने का। और फिर उस दिन ऋषि मेरे कमरे में आया। वैसे भाभी एक बात पूछें आपसे। पूछो ना। मेहुल भैया अपनी ड्यूटी के चक्कर में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो कैसे रह पाती हैं आप उनके बिना? उनकी याद में बहुत तड़पती होंगी आप तो। तड़पती तो हूँ पर क्या करूँ, अब कोई देवर भी नहीं है जिसके साथ अपना दर्द बांट सकूँ। क्या बात कर रही हैं आप, हम कौन है, देवर ही तो हैं। आप अपना दर्द हमारे साथ बांट सकती हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। सच में? क्या बात कर रही हैं भाभी, आप एक बार बोल कर देखिए, जान दे देंगे हम आपके लिए। तो हम भाभी को बदनाम करना चाहते हैं, कर दोगे हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्या, हम समझ गए और आप समझ जाइए कि आपका काम हो गया, आज रात ही हम आपका काम कर देंगे। आज रात ही? इतनी जल्दी? हम आपका काम जल्दी करेंगे तो आप भी तुम्हारा काम जल्दी करेंगे ना। लगता कोई आ रहा है। और फिर क्या, उसके बाद तुम्हारी हंसी निकल गई। बहुत मजाक किया हो तुम। सर मुझे नहीं पता था ऋषि का भाभी के साथ सच में चक्कर चल रहा है। जब मैंने उस रात ऋषि को भाभी के कमरे में देखा तो मैंने बाऊजी को जगा दिया और भाभी और ऋषि रंगे हाथों पकड़े गए, और फिर अगली रात ऋषि मुझसे मिलने आया। आप खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक मुझे चैन नहीं मिला। जब तक भाभी इस घर से नहीं जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम कुछ ऐसा करो ना जिससे बाऊ जी भाभी को घर से निकाल दे। तो ये कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो, कल से मैं बाबू जी को भड़काना शुरू कर दो हमारे और भाभी के रिश्ते के बारे में। उनसे झूठ झूठ बोलो कि हम डेली रात को आते हैं, चुपके चुपके भाभी से मिलते हैं, फिर एकदम आ जाएंगे रात को, कर देंगे ड्रामा। बाबू जी तो ऐसे भरे पड़े रहेंगे, हो सकता है हमारे साथ धक्के मार के भाभी को भी निकाल दें। ये भी सही है। तो सही तुम हमेशा होते हो, हमारा इनाम कर दो। इनाम अभी देते हैं। अभी और जब उस दिन भाभी घर पर अकेली थी तो मैंने ऋषि को भेजा। हेलो। हाँ मैं मिलना है तुमसे। हाँ मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती हूँ, जब तक भाभी घर से बाहर नहीं निकल जाती मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वैसे आज तुम्हारे पास मौका है, भाभी घर पर अकेली हैं, मैं और बाऊजी मार्केट आए हैं, तुम्हारे पास आधा घंटा है, घर पहुँच कर तुम ड्रामा करना शुरू कर दो। ठीक है हम अभी पहुँचते हैं। और उसके बाद हम यहाँ आ गए और भाभी से माफी मांगने का ड्रामा किया। तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? भाभी हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम आपसे शादी करने के तैयार हैं। उस दिन ताऊ जी के सामने हम डर गए थे इसलिए ऐसा बोल दिया। मां सच्चा प्यार करते हैं बाबू। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ, पर बाऊ जी ने भाभी को घर से नहीं निकाला बल्कि मुझे इनके साथ जाने की इजाजत दे दी। मैं ऐसा ही चाहती थी लेकिन इसी बीच भाभी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी नहीं की है शिखा ने, कत्ल हुआ है उसका। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी पूजा, हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द ट्रांसफर ले लेंगे पासी के जिले में और आपको यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ा भी सब्र नहीं किया, भाभी को बदनाम किया, उनकी जान ले ली आपने। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा है, यकीन करो प्लीज। क्या सोचती हैं आप, झूठ बोलकर बच जाएंगे आप? सही कह रही है क्या? इसने नहीं मारा है शिखा को, शिखा को मारा है बलदेव ने, वो भी गला घोट कर। चुप रहने से कोई फायदा नहीं क्योंकि शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से पहले उसका गला घुटा गया और उसके बाद उसे पंखे से लटकाया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पता चला है कि गर्दन इतनी तेजी से घुटी गई थी कि उसके गर्दन की हड्डी तक टूट गई, और ये काम कोई पहलवान ही कर सकता है अच्छे से। और इस घर में तुम्हारे अलावा तो कोई और पहलवान है नहीं, सब कुछ सच सच यही बताओगी, या अगर हम अपने हिसाब से पूछने लगे ना तो वहाँ पर हमें बहुत तकलीफ होगी बलदेव। बोलो बाबूजी, क्या ये सच है, आपने मारा भाभी को? हाँ, मैंने ही मारा शिखा को, लेकिन मैंने शिखा को ऋषि और उसके रिश्तों के चलते नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा है कि उसके और पूजा के रोज झगड़े होते थे, मैं उनके झगड़ों से तंग आ चुका था, सारे मोहल्ले में हमारा मजाक बन रहा था, मोहल्ले में हर कोई हमारे बारे में बात करता था, बोलता था कि पहलवान के घर पर रोज खड़ा होता है, और दोनों बहुत लड़ती हैं आपस में, छोटी छोटी बात में लड़ती हैं। फिर पूजा ने मुझे शिखा के खिलाफ भड़का दिया, मेरे दिमाग में जहर घोल दिया, इसीलिए मैंने शिखा को मार दिया। मुझे लगा सबको लगेगा कि शिखा ने खुदकुशी कर ली और मैं बच जाऊंगा। ये सोच भी कैसे लिया कि तुम कानून से बच जाओगे? हाँ, अरेस्ट करो इसे और इस पूजा को भी। सर हमने तो नहीं मारा, हमें छोड़ दीजिए,